सेना हिंदुस्तान कार्यकर्ताओं की मीटिंग एक निजी पैलेस में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब से राष्ट्रीय प्रमुख पवन कुमार गुप्ता ने शिरकत की। मीटिंग में संगठन से राजवीर कौर वर्मा, श्याम कांत पांडे, पुरुषोत्तम आदि ने भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रमुख पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान को महाराष्ट्र के शिवसेना संगठन से जोड़ा जाता है, लेकिन उनका संगठन शिवसेना हिंदुस्तान बाल साहेब ठाकरे के शिवसेना संगठन से 30 मार्च 2003 में अलग हो चुका है। और आपको बताया चले कि शिवसेना हिंदुस्तान 22 राज्यों में अपना प्रत्याशी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बाल साहेब की नीतियां को नमन करते हुए, लेकिन उस दौर पर जब कश्मीर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए तो पंजाब में हिंदुओं को बसों से उतार कर मारा जा रहा था, तो बाल साहेब ठाकरे ने एक बार फिर कश्मीर और पंजाब में हिंदुओं की सूद नहीं की, जिससे आहत होकर शिवसेना हिंदुस्तान का गठन किया गया। संगठन में हर उस भारतीय का स्वागत है जो भारत देश के लिए जीता है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल यदि भिंडरावा का समर्थन करते तो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना के पक्ष में जाते तो शिवसेना हिंदुस्तान ऐसे लोग के सरेआम खिलाफत करते। उन्होंने कहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र के बते सिर्फ मराठा लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वह सभी धर्मों के हकों की लड़ाई लड़ेगी। उनकी पार्टी बंदे मातरम तिरंगे के खिलाफत करने वाले लोगों के खिलाफ है। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए पिहोवा से कुलवंत सिंह की खास रिपोर्ट। की धार्मिक नगरी में मैं शिवसेना हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र के गठन के लिए आया हूँ, और आज हमने जिला कुरुक्षेत्र के जिला इकाई का गठन किया है, और जिसमें हमारे पेहवा के और कुरुक्षेत्र की इकाई का घोषणा हुई है। और शिवसेना हिंदुस्तान राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के हरियाणा में भी काम करेगी, और सबसे पहले हम सरस्वती धाम जो यहाँ मंदिर है, घाट है, उसके सुधार के लिए भी हमारी जिला इकाई पूरी तरह काम करेगी। और सबसे ज़्यादा जो देश में अहम मुद्दा चल रहा है कि हम NRC और CAA पे देश की सरकार को पूर्ण समर्थन करते हैं, और जो देश विरोधी ताकतें लगातार देश में कोहराम मचाने की कोशिश कर रही हैं, देश में आग लगा रही हैं, और विशेष करके जो NRC और CAA देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, शिवसेना हिंदुस्तान डट के उसका विरोध करती है। और हम इस मामले में केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार समर्थन करते हैं। देश भर में शिवसेना हिंदुस्तान भी सड़कों पर उतर करके इस कानून के पक्ष में समर्थन करेगी, आंदोलन करेगी और जलसे जुलूस निकालेगी। और इसी तरह पिहोवा क्योंकि धार्मिक नगरी है, मैं आज शुरुआत में ही सरस्वती घाट के दर्शनों के लिए गया था। वहां की दशा देख करके मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो साथी आज शिवसेना हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, वो लगातार उसकी दशा सुधारने के लिए सरकार से बातचीत भी करेंगे और सरकार से प्रयास करेंगे कि इस दशा को सुधारा जाए। ये वही लोग हैं जो कानून का विरोध जामा मस्जिद के बाहर कर रहे हैं, जुमे की नमाज के बाहर, मस्जिदों के बाहर कर रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो नागरिकता बिल है, किसी की भी नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है, और हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर धार्मिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है, उनको नागरिकता देने का कानून बनाया, ये उन लोगों ने विशेष करके मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके जो इस प्रकार की कार्रवाई कराई गई, मुस्लिम समाज से हुए जुड़े लोग हैं जिन्हें समझना चाहिए कि वो देश को तोड़ने की गतिविधियों से अपने आप को अलग करें, ये नागरिकता बिल उन पे लागू नहीं होता। और ननकाना साहब में जो कल घटना हुई है उससे साफ जाहिर हो गया कि NRC और CAA कानून की क्यों आवश्यकता पड़ गई थी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन